उत्तर प्रदेश के आगरा में श्वानों ने एक मूक बधिर बच्ची पर हमला किया है। श्वानों के हमले से बच्ची बुरी तरीके से जख्मी हुई है। ये मासूम बच्ची 10 साल की है जो लहूलुहान हालत में, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्ची की हालत देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत उसका ऑपरेशन किया है। 4 घंटे तक उस बच्ची का ऑपरेशन चला है, जिसमें 36 टांके उसके शरीर पर आए हैं। ये दो तोरा क्षेत्र के गाँव गगोगई की घटना बताई जा रही है। कितनी जगह खाया है? बहुत जगह खाया है उसे, पैरों में खाया है, यहाँ पर भी खाया है, और हाथों में भी खाया है, मुंह में भी खाया है। इसी बच्ची को खाया है, औरों को भी खाया थे? नहीं, यही बच्ची थी। तो कहाँ जा रही थी? पहले भी खा चुके हैं एक आध को। बच्चे कहाँ जा रहे थे? बच्चे सुबह निकल गई थी, वो थोड़ी मोटी बुद्धि की, बोलती नहीं है वो। चोरा से लेके आए थे और बच्चे को बहुत बुरी हालत में लेके आया गया है। उसके शरीर पर करीब 25-30 जगह कुत्ते ने दोनों तरफ काट रखा है। उसको तुरंत यहाँ ऑपरेशन थिएटर में लाया गया है और हमारी जो सर्जन की पूरी टीम है पिछले 3 घंटे से उसमें स्टिचिंग करने में लगी हुई है और बेहोशी की हालत में उसको स्टिचिंग दिया जा रहा है, अंडर जी है। ऐसे क्या संभव नहीं लगती? देखिए, इस तरह का केस मैं यहाँ बहुत समय से पोस्टेड हूँ, परंतु मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना बुरी तरीके से कुत्ते का काटा केस आया है। इसमें हमने इसके लिए जो दवाई है, जो एंटी रेबीज वैक्सीन के बाद इम्यूनोग्लोबिन लगाए जाते हैं, वो हमने लोकल परचेज करवा रहे हैं हम अपने बजट से, और इसको लगाया जाएगी। पूरी संभावना है, पूरी टीम हमारी लगी हुई है कि इसको ठीक किया जाए जल्दी जल्दी। कितने